लोजपा ने एक बार फिर से बीजेपी को चेतावनी दी है। दरअसल लोजपा ने राम मंदिर और तीन तलाक के मुद्दे को एनडीए के लिए खतरनाक बताते हुए भाजपा को चेतावनी दे डाली। लोजपा का मानना है कि ये दोनों मुद्दे विवादित हैं और इन्हें चुनावी मुद्दा बनाने से एनडीए को काफी नुकसान हो सकता है। जाहिर है कि लोजपा की तरफ से आया चिराग पासवान का ये बयान कहीं न कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के दिया गया है। ये बातें लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान ने शनिवार को शेखपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही उन्होंने मुंगेर संसदीय सीट पर अपने दावे को भी बरकरार बताया है और कहा है कि इस सीट पर दावे को लेकर किसी सहयोगी दल से अभी औपचारिक बात नहीं हुई है। अगर इस सीट के बदले कोई दूसरी सीट का प्रस्ताव आता है तो देखा जाएगा। आप जो स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए में सीट शेयरिंग पर डील हो रही थी। उस समय रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बिहार में 6 सीटें मिली। इसके साथ ही साथ रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजे जाने पर भी सहमति बन गई। इधर शेखपुरा के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान समेत और भी बाकी नेता मौजूद थे। उस दौरान चिराग पासवान ने सचेत करते हुए कहा कि राम मंदिर तथा तीन तलाक को चुनावी मुद्दा बनाए जाने से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चिराग ने कहा कि एनडीए को विकास को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विकास के मुद्दे पर ही एनडीए लोकसभा चुनाव में बाजी मार सकता है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि महागठबंधन पे जो राय बन रही है उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन पर बोलते हुए चिराग ने कहा कि उसमें जितनी भी पार्टियां हैं सभी की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा महागठबंधन में बिखराव आता साफ दिखाई देगा। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में 35 से अधिक सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं एनडीए पूरी तरह से उत्साहित है 2019 के चुनाव में बिहार जीतने को। द गर्म पोस्ट की रिपोर्ट।